हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ एक इनटू ऑनटू वन वन मेनी वन का क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर दिखाई दे जाता है एग्जाम में। तो देखो, ये जो एक क्वेश्चन है, पहले तो इसको पढ़ लो। लेट अ फंक्शन एफ इज सच दैट आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 9 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 1 देन एफ एक्स इज। एक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है, तो एफ एक्स क्या है इन चारों में से? वन वन के साथ इनटू है कि मेनी वन के साथ ऑनटू है? हाँ, कि वन वन के साथ ऑन टू है या मेनी वन के साथ इन टू है। तो वन वन मेनी वन का पता लगाना है और साथ साथ इन टू ऑन टू के बारे में भी पता लगाना है, ठीक है? तो बच्चों, वन वन मेनी वन के लिए आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है और सॉल्व करते करते एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए तो फंक्शन वन वन होता है, और इसके अलावा कुछ और मिल जाता है तो हम कहते हैं मेनी वन है। मतलब कि अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से चलते हो आप लोग और सॉल्व करते करते अंत में एक्स वन और एक्स टू में कुछ ऐसा रिलेशन मिलता है जिससे पता चल जाता है कि एक्स वन और एक्स टू बराबर नहीं है, एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू नहीं मिलता है, कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे पता लग जाता है कि एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं है। जैसे अंत में ऐसे आ जाए, एक्स वन बराबर एक्स टू प्लस 7 आ जाए, मान लीजिए इक्वल से लेके चलोगे तो इक्वल ही मिलेगा कहीं लास्ट तक, पर इससे आइडिया लग जाता है कि एक्स वन और एक्स टू के बराबर ना होने का भी चांस है, ठीक है, या बराबर नहीं है, दोनों बातें कह रहा हूं, ठीक है। तो जब कभी सॉल्व करने पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू सॉल्व करने पर अंत में कुछ ऐसा मिलता है जिससे एक्स वन और एक्स टू बराबर नहीं है, ऐसा जो है चांस बन रहा हो, तो ठीक है, इस समय हम लोग कहते हैं मेनी वन, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है जो बड़ा कन्वेंशनल है और मैक्सिमम लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो मगर यहाँ पर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करना आसान नहीं है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू से नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है किसी और तरीके से, और वन वन फंक्शन के लिए मैं तुम लोग को बता दूँ, वन वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार काटे, ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर सिर्फ एक बार काटे तो वो फंक्शन वन वन होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे आके ऐसे जा रहा है, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज भी कर रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बहुत ढेर सारी बनाई जा सकती है जो इसको एक से अधिक बार काटेंगी। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन कई बार हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन कहते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन तुम सोच के चलो और वो एक ही बार काट सके तो उसे हम वन वन कहें। जब एक बार कटेगा तो वन वन, और जब एक से कई बार कट जाए, एक से अधिक बार कट जाए तो उसे मेनी वन कहते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। इसका मतलब होता है कि x की मेनी वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू मिल रही है, तो मेनी x वन वाई, इसका मतलब ये मिलता है। और इसका मतलब कि वन x के लिए मेनी x के लिए वन वाई नहीं हो रहा है, एक y के लिए एक ही x आ रहा है, ठीक है। तो जो इस सीधा सीधा ये समझ लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार काटे तो मैक्सिमम एक बार काट सके तो वन वन, और अदरवाइज एक से अधिक बार काटे तो वो मेनी वन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो देख रहे हो इसमें तो वो एफ एक्स वन वाला तरीका तो लगेगा नहीं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है, क्योंकि पावर ज़्यादा है, बड़ी है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा देखो, इसके सारे टर्म्स को देखो ध्यान से, तो कुछ खास दिखाई दे रहा है, कुछ जरूर एग्जामिनर ने क्लू छोड़ रखा होगा, ठीक है। तो भाई जैसे एग्जाम में आता है तो ये सोचा करो एग्जामिनर ने कुछ इसमें जरूर क्लू छोड़ रखा होगा। अरे प्रॉब्लम है तभी तो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का नाम प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है उसी के अंदर ही सॉल्यूशन छिपा होता है, आपको देखना होता है, समझना होता है और अपने एक्सपीरियंस से लगाना होता है उसे। तो देखो जैसे एफ एक्स बराबर ये लिखा हुआ है, इसमें सारी पावर्स को देखो सब ऑड हैं। देखो यहाँ पे पहले में 9 है पावर में, दूसरे में 3 है, तीसरे में 1 है, और लास्ट वाले में तो एक्स है ही नहीं है। तो अगर हम इसका f डैश x निकालें तो f डैश x हो जाएगा 9x टू द पावर 8 प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 ये आ जाएगा, ठीक है। जब हमने f डैश x निकाला तो जितनी पावर्स हैं वो सारी की सारी इवन पावर हो गई, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, और लास्ट वाला भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि f डैश x हमेशा 0 से अधिक है, और f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा।
तो जिसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, तो वो फंक्शन लगातार इंक्रीज करता चला जाता है। और कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो वन वन ही हो सकता है। एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। एफ डैश एक्स कभी निगेटिव हुआ ही नहीं कि ये ग्राफ गिरे। एफ डैश एक्स अगर निगेटिव हो सकता होगा तो ये ग्राफ उठ करके गिर भी जाएगा, मगर एफ डैश एक्स जब हमेशा पॉजिटिव आया करे तो ये लगातार उठने वाला फंक्शन है, तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है, ठीक है। और अगर एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन जीरो आ जाए तो लगातार वो गिरता चला जाएगा, लगातार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, या तो लगातार इंक्रीज करे या तो लगातार डिक्रीज करे, दोनों ही सिचुएशन में जो फंक्शन होता है वो वन वन होता है। क्यों? क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार काटेगी फिर, ठीक है। तो ये तो पक्की बात हो गई कि ये पहले और तीसरे ए और सी ऑप्शन में से ही कोई एक सही है, क्योंकि ये फंक्शन कंफर्म हुआ कि ये वन वन है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों में से तो क्लियर हो गया कि ठीक है, हाँ, मतलब वन वन मेनी वन में से तो क्लियर हो, में से क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है वो वन वन है, क्योंकि लगातार ये इंक्रीज करता चला जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, एफ इज सच दैट आर टू आर, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट टू माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ठीक है। और ऑन टू इन टू को कैसे पता लगाते हैं? आप इसका एग्जैक्ट रेंज निकालते हो या ग्राफिकल रेंज निकालते हो या रेंज निकालते हो, ठीक है, आखिर इसकी वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, और आप उसे कोडोमेन से चेक करते हो, ठीक है। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब गिवन रेंज। तो आप ये जो है जो फंक्शन दिया हुआ है उसका रेंज निकालते हो, आखिर इसकी एग्जैक्टली वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो अब एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़ी पावर कौन है? डोमिनेटिंग टर्म एक्स पावर नाइन है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू इन्फानाइट के पास जाएगी और एक्स के लिए या तो माइनस इन्फानाइट के पास जाएगी, तो डोमिनेटिंग टर्म ये है। तो देखो, ये जो लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर नाइन प्लस प्लस फाइव एक्स टू द पावर थ्री प्लस फोर एक्स प्लस वन, तुम एक बात गेस करो, अगर x की वैल्यू इन्फानाइट जा रही है तो y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू किधर जा रही है? बोलो बच्चों, अगर x की वैल्यू लगातार इन्फानाइट के पास चलती चली जाए तो आप बता सकते हो कि इसमें जो है fx की वैल्यू मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मतलब कहाँ अप्रोच कर रही है, किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है या किधर जा रही है? तो जब x की वैल्यू इन्फानाइट के पास जा रही है तो fx भी इन्फानाइट के पास जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अच्छा चलो, x और y समझ में आता है तो मैं इसको y लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको y लिख दे रहा हूँ अब, ठीक है ना। कुछ बच्चे x और y ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, तो ये एफ एक्स वाई ही है, ठीक है। तो अगर x इन्फानेट के पास जा रहा है तो y भी इन्फानेट के पास जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ऐसे लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, और x की वैल्यू अगर इन्फानाइट तो y की वैल्यू भी इन्फानाइट जा रही है। अच्छा, x की वैल्यू अगर माइनस इन्फानाइट जा रही है तो y किधर जा रहा है? बोलो, अगर x की वैल्यू माइनस इन्फानाइट जा रही है तो माइनस इन्फानाइट की पावर नाइन कितना होता है? माइनस में ही होगा, ठीक है। तो ये वाला इतना ज़्यादा छोटा टर्म है, मतलब माइनस इन्फानाइट हो जा रहा है, कि इसके सामने ये सब भी कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे एक्स पावर फोर भी लिखा होता, कुछ भी लिखा होता ना, ये इतना नीचे चला जा रहा है कि इसके सामने ये सब इग्नोर करने वाले टर्म्स हैं। तो सबसे बड़े टर्म को देख करके आप इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट को चेक किया करो, ठीक है। तो सब एक्स टेंडिंग टू इन्फानाइट है तो एक्स पावर नाइन इन्फानाइट के पास जा रहा है, तो बाकी से कोई टेंशन ही नहीं, कुछ भी उखाड़ लें वो ये इन्फानाइट के पास जाएगा ही जाएगा, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक्स की वैल्यू माइनस इन्फानाइट के पास जाएगी तो माइनस इन्फानाइट की पावर नाइन जो है वो माइनस इन्फानाइट के पास ही चला जाएगा, और माइनस इतना ज़्यादा छोटा, इसके सामने ये सब कुछ नहीं है। भले अलग बात है कि ये भी माइनस इन्फानाइट के पास जा रहा है, माइनस इन्फानाइट के पास जा रहा है, पर आप सिर्फ इसी टर्म से ही पता लगा लेते हो कि ये एक्स की वैल्यू जब माइनस इन्फानाइट है तो वाई की वैल्यू भी माइनस इन्फानाइट जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बता दूँ, जैसे y बराबर x की पावर 9 प्लस, मान लीजिए ऐसा होता 5x टू द पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, मान लीजिए ऐसा होता, ठीक है, लेट सपोज दैट ऐसा होता। तो x की वैल्यू अगर इन्फानाइट जा रही है तो y की वैल्यू इन्फानाइट जा रही है, और x की वैल्यू माइनस इन्फानाइट जा रही है, तो इसमें टेंशन मत लेना, इसमें तुरंत कह देना माइनस इन्फानाइट जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये टर्म कह रहा है ना माइनस इन्फानाइट, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके सामने ये सब इग्नोर करने वाले हैं, इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं। जैसे y बराबर अगर यहाँ पर x बराबर माइनस 1000 ले लें, सिर्फ माइनस 1000 ले लें, तो माइनस 1000 की पावर 9
-1000 की पावर 8 से बहुत ज़्यादा छोटा है, उसके सामने ये इग्नोर करने वाली चीज़ है। समझ में आ रही बात? तो आप लोग क्या करोगे, x की पावर ना, और ये तो सिर्फ मैंने -1000 दिया, ठीक है, ये कितना भी अपने आप को पॉजिटिव बना लें, अगर ये अपने को माइनस इन्फाइनाइट बना चुका है, x टर्निंग टू माइनस इन्फाइनाइट हो चुका है, तो इसकी बात ही मानी जाएगी, इसके सामने ये सब इग्नोर करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप मैक्स बड़ी, जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसको देख करके माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट पर चेक करिएगा, ठीक है, और बाकियों को ऐसा ट्रीट करना कि जैसे तुमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं उसके बारे में, ठीक है। जो सबसे बड़ी पावर कहती है हमें वही मानना होता है। और ये तो मैंने -1000 लिया था, अगर ये माइनस के बाद 10 की पावर 10 ऐसा ले लिया जाए, तो वास्तव में x पावर 9 अपने आप को इतना माइनस से इन्फाइनाइट कर लेगा, इतना छोटा कर लेगा कि उसके सामने बाकी की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू जब माइनस इन्फाइनाइट जाएगी, तो x पावर 9 जो है वो माइनस इन्फाइनाइट के पास चला जाएगा, बाकी भी वैसे माइनस इन्फाइनाइट जा रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो y की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट पूरी हो जा रही है, तो रेंज आ रहा है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट आ रहा है, और ये रेंज इसके कोडोमेन के बराबर हो जा रहा है। जो आप रेंज निकालते हो वो अगर कोडोमेन के बराबर हो जाता है, जो गिवन रेंज है उसके बराबर हो जाता है, तो ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी इनटू ऑन टू का क्वेश्चन आए, तो आप लोग पहले रेंज निकालिएगा। तो रेंज निकाल करके ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ जो कोडोमेन है, क्या उसके बराबर है। अगर उसे कोडोमेन के बराबर हो जा रहा है, तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1-1 है और ऑन टू है, तो 1-1 ऑन टू कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो 1-1 ऑन टू दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव है, और 1-1 ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है, दोनों है, तब उसे बाइजेक्टिव नाम दे देते हैं। अगर मान लीजिए 1-1 है, ठीक है, 1-1 के साथ इनटू है, तो उसे बाइजेक्टिव नहीं कहेंगे, ठीक है। 1-1 के साथ ऑन टू होगा तभी उसे बाइजेक्टिव कहेंगे। मेनी वन के साथ ऑन टू है, इसे बाइजेक्टिव नहीं कहेंगे। मेनी वन के साथ इनटू है, इसे बाइजेक्टिव नहीं कहेंगे। 1-1 के साथ ऑन टू हो जाएगा, तब उसे बाइजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। कोई फंक्शन 1-1 भी हो, साथ साथ ऑन टू भी हो, तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, नॉन बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव आप टिक कर देते, ठीक है। कभी कभी ऐसा देखा है मैंने, क्वेश्चन आता है कि 1-1 but not into 1-1 but not on 2, तो 1-1 but not into, जो into नहीं होगा तो वो on 2 ही तो होगा भाई। कोई भी क्वेश्चन होता है वो या तो into है या तो on 2 है, अगर ऐसा दिया हुआ है और fx दिया हुआ है, तो वो या तो into है या तो on 2 है। तो 1-1 but not into 1-1 but not many 1 but not on 2 1-1 but not on 2 और many 1 but not into, ऐसे अगर ऑप्शन होता तो जो but not into लिखा है, तो उसका मतलब on 2, तो उस समय ये वाला ऑप्शन कर, मतलब पहला वाला ऑप्शन कर देते। जब 1-1 but not into अगर लिखा होता, तो 1-1 but not into का मतलब on 2, तब हम उसी को हम टिक कर देते हैं। फिलहाल ये 1-1 है और ऑन टू है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी दिया जाए आप अपना समझ लीजिएगा। और इसको ऐसे भी लिखा सकता है, ऑन टू बट नॉट मेनी वन, ऑन टू है बट नॉट मेनी वन, तो जो मेनी वन नहीं है तो वो 1-1 ही तो होगा, ठीक है। वन ऑन टू बट नॉट मेनी वन, तो जो मेनी वन नहीं है तो वो 1-1 होगा। तो कुल मिला के ये 1-1 है, ऑन टू है, और एग्जामिनर कैसे ऑप्शन को लिखते हैं वहां पर तुम अपने हिसाब से समझ लेना कि तुम्हें क्या आंसर टिक करना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।